नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 12 हेरोंस फॉर्मूला। हेरोंस फॉर्मूला है क्या, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, इसका इसकी बातें पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हेरोंस फॉर्मूला है, हेरोंस नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ट्राइंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला इन्वेंट किया है जिसे हम हेरोंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। ये हेरोंस फॉर्मूला किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, किस पर हम अप्लाई करते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले सपोज कर लो कि आपके पास में कोई ऐसा ट्राइंगल्स है, राइट, ऐसा कोई ट्राइंगल्स है जिस ट्राइंगल का आपको सिर्फ साइड दिया गया है, सभी तीनों साइड। सपोज कर लो आपके पास में थ्री साइड्स है, हम यहाँ पे सपोज कर ले इसे ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इन इस ट्राइंगल्स का हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसे हम एस से इंडिकेट करेंगे और इन सभी तीनों साइड का हम एडिशन कर देंगे, या ऐसा भी आप कह सकते हो कि पैरामीटर का हम हाफ कर देते हैं। और फिर उसके बाद में हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो एरिया का फॉर्मूला आपका है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है हेरोंस फॉर्मूला, राइट। हेरोंस फॉर्मूला ये ऐसे ट्राइंगल्स की एरिया फाइंड करने के लिए है, ये फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई साइड्स गिवन है ट्राइंगल्स का, तो वहां पे आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप एरिया फाइंड कर सकते हो। और इससे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना सीखा था, कि वो तो हम सिख से ही सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से उसका एरिया फाइंड किया जाता है। कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का है, कि अगर हमें दिया गया हो कि एरिया फाइंड करने को राइट एंगल ट्राइंगल का, दैट मीन्स वन इस तरह से कि वन एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो वहां पे हम इसे हम हाइट कहते हैं और इसे हम बेस कहते हैं, और हाइट इंटू बेस करके उसे डिवाइड बाय टू करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल्स आपको गिवन है, राइट, तो वहां पे इस तरह से देखो, यहाँ पर भी आप इसी यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दूसरा कोई ट्राइंगल्स इस तरह से आपको दिया गया है, यहाँ पे बीच में कहीं पे 90 डिग्री है, तो ये आपका बेस बन जाएगा और ये 90 डिग्री वाला आपका हाइट बन जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। इसी हेरोंस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड किया गया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये क्या आता है फॉर्मूला, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये सभी चीजें हमें याद रखनी है, जिसे हम यहाँ पे ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको गिवन है कि कोई एक ट्रैफिक सिग्नल है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के जैसा दिया गया है, और फिर हमें फाइंड करना है उसका एरिया बाई हेरोंस फॉर्मूला। हमें यहाँ पे अभी डायरेक्ट हमें अप्लाई नहीं करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया, यहाँ पे हमें पहले हेरोंस फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करना है कि उसका एरिया क्या होगा। चलो तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस तरह से आपको ट्राइंगल्स गिवन है, राइट, ये जो ट्राइंगल्स आपको गिवन है यहाँ पे, ये सभी साइड इसके सेम है, ए ए और ए। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बाय हेरोंस फॉर्मूला सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल टू 3a/2, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा सेमी पैरामीटर। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये है हमारा फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू रख देते हैं।
सेमी पैरामीटर हमें मिला है 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, बिकॉज ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ ट्राइंगल्स, सभी जितने भी ट्राइंगल्स है, सॉरी ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स सभी सेम है, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से आपको मिल गया 3a/2, यहाँ से मिल गया आपको a/2, a/2 एंड a/2, राइट। चलो अभी इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो √3, ये 3 तो आपका रूट में ही रहने वाला है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 16, दैट इज 4 बन जाएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, इनटू a^4, दैट मीन्स ये हो गया a² सेंटीमीटर, मीटर राइट, स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। अब हमें यहां पे क्वेश्चन में और कुछ आगे बोला गया है, फाइंड इफ इट्स पैरामीटर इज 180, अगर इसका पैरामीटर आपको 180 गिवन है तो क्या फाइंड, कैसे इसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे हम हमें पैरामीटर गिवन है, चलो पैरामीटर का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, पैरामीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो 3a इज इक्वल टू 180, तो a आपको फाइंड हो गया यहाँ से 60 सेंटीमीटर। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो हम एरिया के फॉर्मूले में रख देते हैं जो अभी हमने फाइंड किया है, एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू 60 होल स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 3600, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया आपका 900, तो एरिया इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द ट्राइंगुलर साइड्स वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल इज 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर्स, एडवर्टाइजमेंट इज द अर्निंग द 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ए कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे, हमें बताना है कि 3 महीने के लिए वो रेंट कितना पे करेगा अगर 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है तो। पहले हम इसका फाइन कर लेते हैं एरिया, एरिया यहाँ पे आपको ट्राइंगल गिवन है राइट, ये ट्राइंगल आपको इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पर इसका जो मेजर है ये 122 मीटर है, ये 22 मीटर है और ये 120 मीटर है। हम पहले फाइंड कर लेते हैं सेमी पैरामीटर राइट, सेमी पैरामीटर फाइंड करने के लिए तो बाय हेरोंस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू, डायरेक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2, तो 2 2 4 एंड 2 2 2 6, तो 264 अपॉन 2 इज 132 सेंटीमीटर राइट। नाउ एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 132 माइनस 22 राइट। सिंप्लीफाई कर दो इसे, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 32 को 132 को हम 11 इंटू
कर देते हैं, इसका माइनस करो तो कितना हो गया, 10 इंटू, इसका माइनस अगर हम करते तो 12 फाइन हो गया, इसका अगर हम माइनस करते तो 110 फाइन हो गया। तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, राइट। तो अभी से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, ये 11 टू टाइम है तो वन टाइम हो गया, 12 टू टाइम है वन टाइम हो गया, 10 वन टाइम है टू टाइम है वन टाइम हो गया। तो एरिया हमें फाइंड हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दिया गया है द रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, दैट मीन्स 12 मंथ। तो अगर हमें एक मंथ का निकालना तो डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, तो द रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू रुपीज 5000 अपॉन 12। द रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, हम यहाँ पे कंपनी हायर कितने दिन के लिए कर रहा है, 3 मंथ के लिए, तो 5000 इंटू 1320 अपॉन 12 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 4 से इसे अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो 4 3 जा 0, दिस इज रुपीज 5 3 जा 15 and 1 16, सो 1651234 16,50,000 रुपीज ये रेंट इतना पे करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे दिया गया है, ए देर इज ए स्लाइड्स इन ए पार्क, वन ऑफ द साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल इज 15, 11 and 6 द फाइंड द एरिया पेंटेड इन। यहाँ पे हमें ए बी सी दिया गया है, ए आपका हो गया 15, बी हो गया आपका 11, सी हो गया 6, तो फाइंड कर लेते हैं। तो हेरोंस फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो बाय हेरोंस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू 15 + 11 + 6/2, तो 15 and 1 16, 16 and 10, 32/2 इज 16, ओके। तो area is equal to square root of 16 into 16 minus 15 is 1, 16 minus 11 is 5, 16 minus 6 is 10, तो 16 को अगर हम बाहर निकालते तो ये हो जाएगा आपका 4, 5 into 2 लिख देते हैं हम इसको, यहाँ से हमें 4 into 5 बाहर आ गया √2, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया पेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमें ट्रायंगल्स गिवन है, राइट, ये ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे सपोज कर लो आपको ये 18 दिया गया है, ये 10 दिया गया है, ये आपका ए हो गया और ये आपका हो गया बी। तो हमें तो अभी सी फाइंड करना है पहले, तो सी फाइंड करने के लिए हम
पैरामीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पैरामीटर इज गिवन इज 42 सेंटीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, तो ए इज 18, बी इज 10 एंड सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 28 को हम इधर लाएंगे, 42 माइनस 28 दैट इज 12 माइनस 8 इज 14 सेंटीमीटर, सी हमें 14 फाइन हो गया। अभी सी का फाइन कर लेते हैं हम पहले बाय हेरोंस फॉर्मूला, सेमी पैरामीटर तो सेमी पैरामीटर एस इज इक्वल टू डायरेक्ट ही अगर हम फाइन करें कि पैरामीटर हमें गिवेन है तो ये फॉर्मूला होगा पैरामीटर डिवाइड बाय टू दैट इज 42 अपॉन टू, तो 21 सेंटीमीटर। और फिर हम इसमें अप्लाई कर देते हैं तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, तो इक्वल टू 21 को 3 इंटू 7 कर देते हैं, ये माइनस हो गया 3 में से माइनस हो गया 11 में से माइनस हो गया तो ये 7, तो 7 और 3 को बाहर लाओगे तो 21 हो गया और रूट में आपका बच जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको 3 साइड दिए गए लेकिन वो रेशियो में गिवन है। मान लो कोई आपके पास में ये ट्राइंगल है तो इसे हम सपोज कर लेते हैं ए, ये हो गया आपका 12x और बी हम सपोज कर लेते हैं 17x और सी हम सपोज कर लेते हैं 25x, तो इसका पैरामीटर हमें गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो पैरामीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, दिस इज 54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, सॉरी दिस इज x सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54 दैट इज 10, तो a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द सेमी पैरामीटर, तो बाय हेरोंस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू 540 अपॉन 2 इज 270, राइट। यहाँ पे देखो एबीसी आपको मिल गया है, यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर लेते हैं तो area is equal to square root of 270 into 270 minus 120, 270 minus 170 or 270 minus 250. So 270 into यहाँ से आपको फाइन हो गया 150, सॉरी यहाँ से फाइन हो गया आपको 100, यहाँ से आपको फाइन हो गया 20। सिंप्लीफाई कर दो तो
हम लिख सकते हैं 3 × 9 × 10, हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 10, ये रहने तो 100 ही, और 20 को हम लिख देते हैं 4 × 5, यहाँ पे 3 आपका 2 टाइम है, 1 टाइम हो गया, 9 का 3 बन जाएगा, 10 2 टाइम है 1 टाइम हो गया, 5 2 टाइम है तो 1 टाइम बन गया, 100 का हो जाएगा 10, और 4 आपका है तो ये हो जाएगा। अब इन सब का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 × 3 = 9 × 10 × 5 = 50 × 50 = 100 × 1 × 2 = 1 2 3, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्केलस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ, यहाँ पे हमें ऐसा स्केलस ट्रायंगल गिवन है राइट। इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल को हम, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मीनिंग क्या हुआ कि ये दो साइड आपके इक्वल हैं और जिसका मेजर हमें दिया गया है 12 और 12, ये हमें पता नहीं, ये सपोज कर लेते हैं बी है, ये ए है और ये सी है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी। सो पैरामीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सो ए प्लस सी इज 24, सो बी इज इक्वल टू 30 − 24 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ बाय हेरोंस फॉर्मूला हम फाइन कर लेंगे सेमी पेरीमीटर, पहले फाइन कर लेते हैं तो 30/2 दैट इज 15, और फिर हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो एरिया इज 15 − 12 − 12 and 15 − 6, so this is 15 × 3 × 3 × 9 तो 3 2 टाइम है, उसको बाहर निकालेंगे तो 3 हो गया, 9 को बाहर निकालेंगे 3 हो गया, 15 का तो निकलेगा नहीं, ले रूट 15 ही रहेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर।